बैक टू माई YouTube चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और जब सुबह सुबह ना धनु को स्कूल छोड़ना होता है और टाइम से पहले जब मैं रेडी हो जाती हूँ, उनको रेडी करवा देती हूँ, ऐसा लगता है कितना बड़ा अचीवमेंट है यार, कितना बड़ा टास्क मैंने पूरा कर लिया। सो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एंड मैं आपको बता दूँ कि आज धनु पहले रेडी हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है लेट हुए होंगे जब पहले तैयार होते हैं ना, बहुत खुशी होती है। तो अभी ये कह रहा था कि अभी नहीं जाएंगे, क्या करेंगे। तो बस धनु बात कर रहे हैं अपने रवीना दीदी से। क्या कह रहे हैं आप रवीना दीदी को? आज तभी जाते हैं धनु को स्कूल, बस स्टॉप पर छोड़ के आते हैं। चलिए चलिए चलिए। रवीना दीदी, ये रहा इसका डिब्बा, ये रहा उसका डिब्बा, देखो। चलो ऊपर चलो। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से मैं अकेली हूँ, कुछ ना कुछ पड़ रहा है, कभी शादी ब्याह, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, मतलब किसी भी दिन में घर पे नहीं रह रही थी, कुछ ना कुछ लगा रह रहा था। तो आज जो है मुझे टाइम मिला मंडे वाले दिन, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर किचन जो है उसे क्लीन कर रही हूँ और जो फ्रूट्स वगैरह इन सबको रख रही हूँ। आपको पता है हम दो ही लोग हैं ना, तो ज़्यादा हम वेजिटेबल्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे लोग बड़े जो होते हैं ना, वो हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और बाकी हम लोग तो बस, हमें आपको पता ही, आपने देखा हुआ है, हमेशा हमारा किचन शेयर करते हैं कि हरी सब्ज़ी जो हम थोड़ा कम खाते हैं, बट खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत खाते हैं, जो जो पसंद आता है वो सारी चीज़ें नहीं। बच्चों के साथ थोड़े से नखरे होते हैं। अब मैं अपने आप को तो गिनती नहीं कर सकती बच्चों में, बट है, मैं भी सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही क्लीनिंग कर रही थी, और इसके बाद आपने देखा जो यहाँ पे दो गिफ्ट था जो अलका जी ने दिया हुआ था, अलका दीदी ने, मैं उनको दीदी बोलती हूँ। सो वो जो गिफ्ट है वो अभी मैं ओपन करूँगी, उसमें देखते हैं क्या क्या है। और मैं, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे कोई सरप्राइज़ देने वाली थी। मैं वहाँ पे अपने अर्जेंट काम के लिए गई हुई थी, आप मेरी हुलिया देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ घर से निकली थी। फिर मैं कंपनी में गई थी जहाँ से घर का काम हो रहा है, उसके बाद मैं वहाँ से इतनी देर में गई हुई थी, बहुत लेट हो गया था, 6 बजे का बोल के मुझे लगता है 7:30 के आसपास पहुँची थी या बाद में ही पहुँची थी, मतलब टाइम भी नहीं देने, लेकिन बहुत लेट हो गई थी। मैं वहाँ पे इसीलिए गई हुई थी। उन्होंने मुझे वो सरप्राइज़ दिया जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो था ना, वो फील हो जाता है जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो। और यहाँ पे मैं चिमनी भी ज़्यादा इतना कुछ नहीं गंदा होता, बट फिर भी मैंने उसे साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़े थोड़े गंदे हो, तभी अगर साफ़ किया जाए तो फिर वो गंदा नहीं होता है, और जब हम उसे छोड़ देते हैं ना फिर वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, ऑयल अगर चिपक जाता है तो साफ़ नहीं हो पाता है। सो चलिए फटाफट से साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं उसके बाद नहा के ना भाग के जाऊँगी धनु को लाने के लिए। जड़ी बूटियों से बना हुआ है, सारी चीजें आयुर्वेदिक जो है ना, वो सारी चीजें यूज की गई है। देखो बहुत ही आसान है इसको लगाना, इसे आप खुद से भी लगा सकते हो। वैसे जब तक मेरे साथ रहना, अपनी मम्मी के साथ रहना, तो मुझसे लगवाना ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा समझ। देखो इसमें ना कॉम्ब एप्लीकेटर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ना ये लगाना बहुत ईजी होता है, मतलब इससे आप आसानी से ऐसे अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं आपके बालों में चंपी कर देती हूँ। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है भाभी? नहीं, ये पूरा आयुर्वेदिक जो होता है ना, सब चीज़ों से बना हुआ है, औषधियों से बना हुआ है। इसमें पता है, ये देखो,
18 तरीका इसमें जो है हर्ब्स यूज किया गया है और 5 तरीका नरिसिंग ऑयल यूज है इसमें और ये प्योर काउ मिल्क भी इसमें है। इन सबको मिला के ना इसको, मेरी एक फ्रेंड ना लगाती है ऐसे ऐसा, वो भी बोल रही थी कि मतलब हेयर फॉल और उसका ग्रोथ अच्छी हो गई। आपने देखा भी होगा शिवानी कितने लंबे बाल होंगे, तो यही वाला ऑयल लगाती है। हाँ वो बता रही थी, उन्होंने बताया था ऐसे ही बता रही होगी। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा ऑयल है ये, मैं थोड़ी देर आपके बालों में ना चंपी कर दूंगी। ठीक है, वही अप्लाई करना मसाज करोगे ना जब, बहुत अच्छा आपको मतलब कि इसका जो इफेक्ट मिलेगा। हाँ वरना सारे बाल झड़ जाएंगे ऐसे तो मेरे। यूज़ करके देखती हूँ इसको। इसको आप कुछ दिन यूज़ करो, फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। रात को अप्लाई करूँगी ना इसको। जब आप इसे अप्लाई करोगे ना तो बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना, अंदर तक बालों की जड़ों तक ये ऑयल चला जाएगा। आपको पता है ये कोई साधारण ऑयल नहीं है, सिर पार्क विधि से बना हुआ ऑयल है। अच्छा वो क्या होता है ये पता है? ये 5000 पुराना आयुर्वेदिक रिचुअल है। इस ऑयल को बनाने के लिए इसमें 18 तरीके की जड़ी बूटियाँ, ठीक है, उसमें 5 तरीके के नरसिंह ऑयल और प्योर काऊ मिल्क जो होता है ना उसको डाल के और 22 घंटे तक इसे उबाला जाता है, तब जाके ये सेसा तेल बनता है। अच्छा इसमें अनियन वगैरह भी है ना? सब कुछ ये आप देख रहे हो, इस पर मेंशन किया हुआ है 18 मतलब इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल है। और पता है मेडिकली जो प्रूफ होता है ना वो ये तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे लगाओगे ना, देखो मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ तभी मेरे बाल देखो कितने अच्छे हैं। हाँ मैं वही सोचूं आपके इतने सॉफ्ट कैसे हैं, घने भी है ना, मेन तो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए ना हेयर की। तो गाइज आप लोग आज अपने ब्लॉग में दिखाना चाहूँगी, काम जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि मॉड्यूलर का जो सामान था वो सारा सामान आज से 2-3 दिन पहले आ गया था। मैं एक क्लिप दिखा रही हूँ, उसमें कुछ आया हुआ था, उससे पहले कुछ आया हुआ था, तो सारा जो सामान है यहाँ एड्रेस किया था और कुछ जो सामान है वो इधर रखाया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ, एक जो पार्ट है वो लग रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी जैसे ऊपर है ना मैंने वही देखा। भैया ये अलमारी है जी? ये अलमारी है? हाँ जी। इसको खड़ा करेंगे? हाँ। नीचे यहाँ पे जो है कबर्ड जो है वो सारे सेट हो रहे हैं। और अभी आपने देखा मेरा और प्रीति का जो पार्ट वीडियो का, वो 2 दिन पहले का वीडियो था, मीन्स वो वीडियो सैटरडे या संडे का था, सैटरडे का था वो ब्लॉग का पार्ट। ओ गाइस आजकल धूप बहुत ज़्यादा है ना धनु, इसलिए मम्मा बच्चा जो है हमने अपना अपना छतरी चेंज कर लिया है। धनु पिंक ले ली, मम्मा ब्लू ले लिया। सो अभी हम लेके धनु को भी लेके जा रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। मैं निकल गई थी घर से बाहर आ गई थी, फिर मुझे ध्यान है यार छाता नहीं लिया, बच्चे को धूप लगेगी। हाँ बेटा रवीना दीदी हैं बस, और अंकल आपकी अलमारी ठीक कर रहे हैं, अंकल आपका अलमारी लगा रहे हैं नया वाला आपके रूम में। आओ तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ लोग ऐसे कॉमेंट आ रहे हैं कि घर पर कोई नहीं है तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ देखिए अगर कोई बात हो, किसी की तबीयत ख़राब हो तो बात एक अलग है, लेकिन ये बात हर किसी को पता है कि जब इंसान ऐसे रहता है बिल्कुल खुले में। हाँ नहीं बेटा आपके रूम में, तो उसकी एक बात और उसकी जो एक्टिविटी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, बिल्कुल अलग होती है। जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, हम उनके सामने जो हमारी जो एक्टिविटी होती है वो अलग होती है। और इसे ही सभ्यता बोला जाता है कि जब जहाँ जिस जगह पर रहते हैं हम उस हिसाब से रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर सभ्य हैं, शालीन हैं, तो हम सबके सामने हैं तो हमें भी हम ना उछले। देखिए जिसकी जो हरकतें रहती है वो रहती हैं। मेरी ये आदत है, मैं मुझे ऐसे गाने गाने की, डांस करने की, थोड़ा उछलने की। मैं खेल कूद में भी सही थी, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लोग कहते हैं प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, इसका दिखाओ, उसका दिखाओ, है ना। बट लोगों को एक्टिविटी से पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान ऐसा होगा। तो आप लोग हमेशा मुझे ऐसे नहीं देखते हो, तो शायद इसलिए आप लोग को लगता है कि ओवर एक्टिंग हो गया। बट ये ओवर एक्टिंग नहीं है, मैं बोल देती हूँ जब मैं करती हूँ ना ये सारी हरकतें, तब उसी टाइम मैं बोलती हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया। बट मुझे पता है जब इंसान को ऐसा करने आता है तभी वो कर पाता है। तो बस यही बात है कि हाँ गार्जियन नहीं होता सामने तो उसकी हरकतें थोड़ी सी अलग होती है, वही आप लोग देख रहे हो। ये आम कैरी बोलते हैं ना हमारे गाँव में, बिहार में टिकोरा बोलते हैं, टिकोरा नहीं दिख रहा आपको? वो देखो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन से है ना, कितना सारा है। चलो सो गाइस आप लोगों को पता है ना अलका ने मुझे एक गिफ्ट दिया हुआ था, तो
तो ये गिफ्ट है, धनु ओपन करेंगे। यस, आइए जल्दी करिए, जल्दी करिए। यहाँ से मैं खोल के देती हूँ, काटना तो नहीं पड़ेगा, नहीं ये रबड़ लगा हुआ इसको। जा टूटा, ये तो ऐसे ही है, सीजर से काटना पड़ेगा लग रहा है। आप क्या कर रहे देखने के लिए कि दीदी बना रही है? अब इसमें से क्या लोगे? अच्छा ये भी पैक है, ये ऊपर से लगा हुआ है, ये वही से वही से वही से। हाँ हाँ इसमें आपकी पापा को ये चाहिए था, है ना? जैसे नमकीन, गाइस इसमें बिस्किट, वो क्या है बेटा, कोक, नमकीन, क्या क्या दिया है, पूरा एकदम पूरा भर दिया है, मिक्स वाला है, और ये चूरा वाला भुजा। अरे ऐसे नहीं निकलेगा भाई, आप ये एक आप ले लो, है एक रवीना दीदी, ये खोल लो ना। ये इसमें क्या है, कोई मिठाई है, बिस्किट है, इसमें ये वाला नमकीन है, इसमें ये वाला नमकीन है, तो बिल्कुल सेम जो है वही इसमें होगा। तो एक ही अभी खोल रही हूँ, एक खाएंगे, इसमें जूस वगैरह निकाल रही हूँ, ऐसे रख देते हैं ना, खाएंगे सब, इसको किचन में रख दो, ठीक है? रुको तो सही बेटा, इसमें कभी और निकाल दो, ये टांगने वाला अच्छा है, टांगने वाला अच्छा है, इसे किचन में। सो गाइस, कुछ लोगों का कहना है कि आप इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हो, आपको इतना खुश नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, हमारी लाइफ है और मेरी तो सबसे बड़ी कमजोरी है खुश रहना, मतलब मैं किसी भी परिस्थिति में मैं खुश रहती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत बड़ी, मैं किसी टेंशन प्रेशर में हूँ तभी मेरा मुँह बनता है, नहीं तो मैं कितने भी दुख में भी हो ना तभी मुझे हंसी आ जाती है, चाहे मेरे ऊपर कितने भी बर्डन हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब कुछ भी हो रहा मेरे साथ तब भी मैं लोगों के सामने ना ऐसे हंस के ही आती हूँ। सो गाइस, अभी मैं ऊपर आई थी अपना काम देखने के लिए, एक काम देखूं कि क्या क्या काम हुआ है कैसे, और गेट फिर खुल गया है, कहाँ गया है डाल के मुझे तो नहीं दिखा। अमेजोन वाला आया था सामान देने के लिए, कुछ प्रोडक्ट देने के लिए। गाइस आपको पता है तीन मुझे अमेजोन हॉल जो है शेयर करना है, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, शेयर नहीं कर पा रही, बट कल से करती हूँ। और अब मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है काम हो रहा है, तो किसी ने मुझे कमेंट किया होगा था कि दी आप एक ही बार दिखाओ, मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते चलते, फिर एक बार जो हम फाइनल लुक होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, दिखाएंगे सब कुछ। और अभी मुझे भूख लगी थी, मैंने बोला रवीना मैगी खाओगी, कह रही हाँ, मैंने बोला अभी एक मिनट में आती हूँ फिर मैगी बनाते और खाते, बोले ठीक है, कॉल आ गया। ये एक मेकअप का वीडियो चला है रील, तक 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 करके वीडियो बन रहा है, मुझसे तो बनेगा नहीं था, एडिटिंग तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं उससे कुकिंग कर लेती हूँ। तो इस गाने को भी मैंने भी इस रील को फॉलो कर लिया, जैसे कि रील की तरह यूट्यूब वीडियो पे चला जाएगा, जैसे टी सीरीज म्यूजिक की तरह काम नहीं होती। गाइस ये देखिए हम कितने बड़े ट्रैफिक में फंस गए हैं, कितनी देर से। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो गाइस हम जा रहे हैं शोरूम, और आपको दिखाते हैं हम क्या क्या परचेस करते हैं। ओके गाइस, और अभी यहाँ पर हम आए हैं शोरूम में, देखिए कितनी रात हो गई है, पतिदेव जी ऑफिस से आए ना उसके बाद हम आए, और यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या लिया हमने। Uh,
आपको पता है कि हमारे फ्लोर पे अभी सारे कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी है सब कुछ नया लेना है, तो यहाँ पे होम डेकोर के ये सारे सामान थे, सोफ़ा है, बेड है, सब कुछ है। सो पतिदेव जी से इन्होंने बोला हुआ था कि आप आकर यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं नोएडा में ही। ये मैट्रेस के साथ ये करेंगे ये सब करवा देंगे पूरा सेट विद सेट ऐसा विदाउट के टेबल का करेंगे ये केबल मैंने ना इसमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे हैं मैंने उसकी वॉइस जो म्यूट नहीं की है ताकि आप लोगों को जो प्राइस है उसका आइडिया लग सके। ओरिजिनल प्राइस बोलने का तो कोई कुछ भी बोल सकता कह सकता है, लेकिन वो जो हमें बता रहे थे, मतलब हम अपने आप से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जो बता रहे थे वो मैं चाहती थी कि आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया लगे। बहुत से लोगों को लेना होता है तो यहाँ पर हमने देखा, हमें अभी वो पसंद नहीं आया, बट हमें AC लेना था, दो AC दो कमरे में है, ऊपर हमने लगवा रखा है, दो में और लगवाना था तो वो हमने लिया, हमारे घर आ जाएगा। बाकी सोफ़ा बेड जो है हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमने जैसे बताया कि हमें इस तरीके का चाहिए, उन्होंने बोला कि उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, हम कस्टमाइज करवा देंगे। हमें थोड़ा सा जो प्राइस है मुझे लग रहा था कि हाई है क्या, आप लोग देखना जो इन्होंने बताया हुआ है ना प्राइस, तो कमेंट करना कि हाई है या फिर इससे सही रेट में कहीं मिल जाएगा। कीर्ति नगर में कहते हैं सही रेट में मिल जाता है, तो हमने यही सोचा कि एक बार हम थोड़ा सा चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिल रहा है। ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो थोड़ा सा आगे वाला ना। सो गाइस, तो हम आए हैं यहाँ पर शोरूम में और सारी चीज़ें हमने देखी। हम लेने आए हैं AC और AC ले रहे हैं और बाकी जो है हम एक आइडिया ले रहे थे, है ना। पता नहीं क्या कमेंट था, कुछ कमेंट आया अभी सामने दिख करके, तो अभी बस आइडिया ले रहे हैं कि क्या कितने का और कैसा आ रहा है। अभी जो डिज़ाइन है हमें इसमें से कुछ भी इतना खास लगा नहीं जो यहाँ माइंड में सेट है कि ऐसा लेना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। जब हर एक चीज़ कस्टमाइज हो रहा है तो वो भी कस्टमाइज़ करवा लेंगे, बाकी चीज़ें देखते हैं। ये वो लकड़ी वाला वो है, देख रहे हो, लकड़ी स्टाइल में थोड़ा अलग ही आ गया सोफा, है ना।